मालेगांव शहर में आज फिर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के रियासती सदर मौलाना इरफान दौलत नदवी और अंसारी सादन को दफा 151 के तहत ताबे में लिया गया। अदालत ने इन दोनों को 48 घंटे नजर कैद रखने का हुक्म दिया। अदालत के फैसले से दोनों मुतमईन हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। लेकिन दरअसल इस प्रोविजन का पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया है, एक तरह का नफसियाती दबाव डालने के लिए, ताकि लोग डर जाए, मीटिंग ना करें। आज के दिन मालेगांव शहर में सिटी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने दो बंदे को 151-3 में लाए थे। उन पर इल्ज़ाम ऐसा लगाया गया कि ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी उसका ये लोग निषेध कर रहे थे, और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो गया। इसलिए इनको 15 दिन तक अदालती का उसमें रखा जाए, कस्टडी में। तो दोनों बाजू की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 48 घंटे डिटेंशन का ऑर्डर दिया है। मालेगांव शहर में आज सुबह लोकल क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस इंस्पेक्टर हेमंत पाटिल की कयादत में पहुंची। इन्होंने शहर के दो अलग हिस्सों से रात के अंधेरे में मौलाना इरफान दौलत नदवी और अंसारी सादैन को ताबे में लिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में डर का माहौल बन गया था। मालेगांव शहर में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1) में, कि अगर कोई जुल्म और नाइंसाफी होती है या कोई नज़रिए के हिसाब से कोई चीज़ गलत रही है, उसके खिलाफ अगर बोलने की बात आए या उसके खिलाफ कोई स्टिकर लगाने की बात हो या बैनर लगाने की बात हो, तो ये हमारा राइट है। मगर मालेगांव शहर के ऐसे हालात हो गए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दूर की बात हो गई, अब तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सोचने पे भी पुलिस चाहती है कि पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि PFI का जो मामला हुआ उसके बाद मालेगांव में कोई भी आंदोलन, कोई भी तहरीक मेरी मालूमात में कहीं से नहीं चली। उस आज मुझे खुशी है कि हम लोग यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और अदालत ने जो फैसला करी वो मुनासिब फैसला है कि नज़रबंद करी 48 घंटे के लिए। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि हम कानून का राज चाहते हैं, कानून जो तरीके से कार्रवाई करेंगे हम उसका राज चाहते हैं, हम पुलिस का राज नहीं चाहते। मगर कुछ एजेंसियां कानून के दायरे में गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करती है, हम उसके खिलाफ रहते हैं। हम आज के फैसले को मुनासिब फैसला मानते हैं और हमें खुशी है कि हम आज भी हिंदुस्तान में कानून के साथ रह रहे हैं, और कानून पे जो हमको भरोसा है कहीं ना कहीं अदालती निज़ाम उस पर एतमाद हमारा बहाल करता है। कुछ वक्त ऐसा होता है जैसे 12 नवंबर के मामले में कि अदालती निज़ाम सुस्त हो जाता है, मगर सुस्त होने का ये मतलब नहीं होता कि कानून पे से एतमाद ख़त्म होगा। कानून पे आज भी हमारा एतमाद है, और आज का जो ये फैसला इनका 151-3 का निमसे साहब की कोर्ट और पाठक साहब की कोर्ट ने किया है, इससे कानून पे हमारा भरोसा और बढ़ा है। इन दोनों को मकामी अदालत में पेश किया गया। एडवोकेट अजीम खान और दीगर वकीला ने अदालत को समझाया। इसके बाद 48 घंटे की नजर कैद हुई। पुलिस की कार्रवाई पर एडवोकेट अजीम खान और मुस्तकीम डिग्निटी, इन दोनों ने नाराजगी जाहिर की।